दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों प्यार का नाम सुनते ही या शादी का नाम सुनते ही दिलो दिमाग में कई तरह के सपने और समस्याएं उभरनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि प्यार और शादी को लेकर हर किसी के अपने अलग अलग अनुभव और अलग अलग विचार होते हैं और लोग भी अपनी पसंद के अनुसार ही अपनी प्रेमी प्रेम का या पति पत्नी का चुनाव भी करते हैं, किंतु कई एक कारणों के चलते उनका प्यार या वैवाहिक रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाता, क्योंकि जब दोनों के ही आचार विचार आपस में विरोधाभासी होते हैं, दोनों की मेंटेलिटी अलग अलग होती है, उनकी पसंद नापसंद भी अलग अलग होती है, यहाँ तक कि दोनों की राशियाँ भी एक दूसरे की शत्रु राशियाँ होती हैं, तो ऐसे रिश्ते न ज़्यादा दिनों तक टिके रह पाते हैं और ना ही दोनों अपनी लाइफ में कभी खुश रह पाते हैं, क्योंकि जब दोनों का मेल ही गलत होता है तो ऐसी समस्याएं आनी स्वाभाविक हो जाती हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपको अपनी पसंद का पार्टनर मिल सके जो हर तरह से आपके साथ हंसी खुशी और वफादारी से अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सके, तो आपको इस आर्टिकल में बताई गई राशियों के आधार पर अवश्य ही शादी कर लेना चाहिए। चलो बताते हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, दोस्तों वृषभ राशि के लड़के लड़कियां जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसो आराम भरी जिंदगी व्यतीत करना पसंद करते हैं। ये सौंदर्य कला प्रेमी बुद्धिमान सरल स्वभाव और काफी रहस्यमयी होते हैं, इसलिए इन्हें अपनी लाइफ में सफलता भी काफ़ी जल्दी मिल जाती है, किंतु लाइफ पार्टनर के रूप में वृषभ राशि के लड़कों को मेष मिथुन और मीन राशि वाली किसी भी पसंद आई लड़की से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इनके साथ इनकी सबसे परफेक्ट जोड़ी बनती है, यानी कि इनके बीच में अटूट बंधन होता है। 2, यदि वृषभ राशि के लड़के किसी भी कर्क राशि सिंह राशि और तुला राशि की किसी भी पसंद आई लड़की से शादी कर लेते हैं तो इन राशियों के साथ इनकी जोड़ी सामान्य कही जा सकती है, यानी कि मिला जुला रूप, कभी नोकझोंक तो कभी प्यार। 3, यदि वृषभ राशि के लड़के इन राशियों के अलावा किसी अन्य राशि की पसंद आई लड़की से शादी करते हैं तो ये दोनों अपनी लाइफ में कभी एक दूसरे से खुश नहीं रह पाते, इनके आपस में हमेशा मतभेद बने रहते हैं, जिसके चलते अक्सर इनका जीवन वाद विवाद गृह कलेश से घिरा रहता है, जिसके चलते अक्सर इनके बीच में वाद विवाद गृह कलेश होता रहता है।